नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज नाइन भारत चैनल की बड़ी कवरेज। खबर जनपद अंबेडकर नगर से। महापर्व छठ पूजा के अवसर पर शासन प्रशासन हुआ सक्रिय। जनपद अंबेडकर नगर जिले के नगर पंचायत जहांगीरगंज के अंतर्गत विभिन्न पोखरों पर किया गया समुचित व्यवस्था। आसपास के लोगों ने की नगर पंचायत जहांगीरगंज के कर्मचारियों की जमकर सराहना। छठ पूजा के शुभ अवसर पर सभी व्रती महिलाओं के द्वारा किया जाता है पुत्र के लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना। नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा की गई है बेहतर सुविधाएं एवं शासन प्रशासन भी निरंतर ले रहा है सभी जगह का निरंतर जायजा। वहीं दूसरी तरफ आलापुर क्षेत्र के अंतर्गत चौहड़ा घाट, रामबाग नदी, चांडीपुर, कमरिया घाटों पर भी की गई है बेहतर व्यवस्थाएं। SDM आलापुर, क्षेत्राधिकारी आलापुर भी निरंतर ले रहे हैं सभी पोखरों का, नदी घाटों का निरंतर जायजा। आपको बता दें, महापर्व छठ पूजा बिहार की प्रथा थी जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेजी से चल रहा है। काफ़ी कठिन व्रत ये है जिस दिन महिलाएं काफ़ी सक्रिय होकर पुत्र की लंबी आयु के लिए रहती हैं। यह व्रत सूर्य निकलने से पहले ही भोर में ही नदी में खड़ी होकर के महिलाएँ अपने पुत्र के दीर्घायु की कामना करती हैं। हम चैनल के माध्यम से देते रहेंगे निरंतर आपको खबरें। फिलहाल आप देखिए, मौके पर न्यूज नाइन भारत की टीम ने निरीक्षण के दौरान किया है सर्वे। पूरी रिपोर्ट के साथ जनपद अंबेडकर नगर से न्यूज नाइन भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। जनपद अंबेडकर नगर जिले के नौसिजी नगर पंचायत जहांगीरगंज के अंतर्गत सिंहपुर पोखरे के पास जा पहुंचे हैं, जहाँ पे यहाँ भी देखा जाए छठ मैया की पूजा के लिए यहाँ भी दर्शकों का काफी लंबे पैमाने पर यहाँ भीड़ लगती है। नगर पंचायत के द्वारा यहाँ पे भी सुविधाएं जो मुहैया कराई है, अभी चैनल के माध्यम से हम वहाँ तक आपको ले चलेंगे और प्रत्येक चीज़ों को हम अवगत कराएंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। पहली बार नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त जहांगीरगंज को हुआ है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ हैं हम आपको बताएंगे। काफ़ी कठिन व्रत किस प्रकार से महिलाएं पालन करती हैं, उसको निर्वहन करती हैं बाखूबी, आइए हम आपको ले चल। ये देखिए नगर पंचायत की सुविधाएं क्या है। यहाँ पे गेट आपको दिख रहा होगा सामने, जो पहली बार ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। नीचे मैटिंग की व्यवस्था की गई है जो आपको साफ दिखाई दे रहा है। किनारे किनारे तार आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे लाइटिंग की भी, यानी लाइट प्रकाश की भी व्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से की गई है। आइए हम और अंदर आपको ले चलते हैं, क्या है प्रक्रिया। ये देखिए जनरेटर टैंकर भी खड़ा यहाँ पे मुहैया करा दिया गया है नगर पंचायत के द्वारा। इससे फायदे हैं कि पानी पीने के लिए तमाम श्रद्धालु भी साथ में आते हैं, उनको पीने कोई दिक्कत ना हो, हाथ वगैरह धुलना हो, क्योंकि पूजा पाठ काफ़ी पवित्र माना जाता है और होता भी है। यहाँ पे दुकानें भी देखिए अभी से लगना शुरू प्रारंभ कर दी गई हैं। जो बच्चे हैं यहाँ पे और भी दर्शक इकट्ठा होंगे ताकि उनको बोरियत भी ना लगने पाए, कुछ ना कुछ खाते पीते रहें इस पवित्र पावन जगह पे। हम इसी नगर पंचायत के अंतर्गत जहाँ पे पूजा पाठ होना है व्रती महिलाओं का, वहाँ मंदिर आ गए हैं। देखिए ये यहीं से एक रास्ता बना दिया गया है चढ़ने के लिए। यहाँ पे फावड़े के द्वारा देखिए सीढ़ी का प्रयोग नगर पंचायत के द्वारा किया गया स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे इसी के द्वारा महिलाएं जो वृद्ध अवस्था में होंगी वो भी व्रत में काफ़ी आस्था विश्वास है उनका, इसी के द्वारा ये ऊपर आएंगी। यहाँ पे एक देखिए शिवालय है, बहुत प्राचीन है। यहाँ पे शिव जी का शिवालय है, काफ़ी पुराना मंदिर माना जाता है। यहाँ पे भी आस्था का केंद्र है, यहाँ पे लोग दर्शन करते हैं। ये बगल में देखिए आपको एक टेंट दिख रहा है। यहाँ पे नगर पंचायत के द्वारा ये सुविधाएं दी गई है। यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे बैठेंगे अपना, क्योंकि ये 3 बजे भोर में आज ही से भीड़ लगेगी, लेकिन भोर में दिन निकलने के पहले अंधेरे में 4 बजे भोर में यहाँ पे महिलाएं एकत्रित हो जाएंगी। यहाँ पे नगर पंचायत के द्वारा कुछ लाइट प्रकाश की व्यवस्था की गई है। ये देखिए आपको जो तार दिख रहा है ये बीच में हमारे, ये लाइट की व्यवस्था की गई है। अभी इसको एक जगह ये लोग एडजस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे व्यवस्था लगी हुई है। देखिए आप वहाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पे अभी ये जल भराव भी अच्छा सा यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं। चूना वगैरह गिरा के पार्किंग की गई है, सफाई की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको कैमरे में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये देखिए ये जो चीज़ें दिखा, जो बेदी बनाई गई है, इसी बेदी पे महिलाएं खड़ी होकर के पूजा पाठ अपने आस्था का केंद्र मानती हैं। चारों तरफ यदि देखा जाए तो यहाँ पे जल भराव वगैरह काफ़ी कायदे से किया गया है। ये देखिए यहाँ पे ढलान था काफ़ी, लेकिन नगर पंचायत के सूझबूझ से कर्मचारियों के द्वारा देखिए सीढ़ी बना दी गई है। यहाँ पे माइंड अपने विवेक का इन लोगों ने प्रयोग किया है। ये किस प्रकार से यहाँ देखिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, अभी हम आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इधर कैमरामैन उधर के दिखाइए, सीढ़ी किस प्रकार से देखिए बनाई गई है कर्मचारियों के द्वारा।
धीरे धीरे देखिए एक एक फावड़े को यहाँ से एक सीढ़ी का एक अनुपात दे दिया है। इसका अनुपात है काफी चौड़ाई काफी ज्यादा कर दी गई है। उतारने के लिए एक सूझबूझ का इन्होंने अपने बुद्धिमत्ता का इन लोगों ने प्रयोग किया है। आइए इधर ले चलते हैं वेदी की तरफ, जहाँ माताएं खड़ी होकर के पूजा पाठ करेंगी। ये देखिए वेदी बनाई गई है, कैमरामैन आप इस वेदी को दिखाएंगे उधर से। ये देखिए वेदी बना दी गई है क्रम वाइज करके। इसी प्रकार से महिलाएं यहाँ खड़ी होकर के पूजा करती हैं। यहाँ पे इस नदी में लगभग घुटने के वरी कमर बराबर लगभग पानी में यहाँ औरतें खड़ी होकर के, जब तक सूर्य निकल नहीं जाते तब तक यहाँ इसे यहाँ पे खड़ी रहेंगी। गन्ना वगैरह जो पूरा पेड़ है इसी में ला करके लोग ऐसे ही इसी पानी में उसको इसे खड़ा करके गाड़ते हैं और इसे अपनी पूजा पाठ करते हैं। ये अब की वक्त गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, सूझबूझ से जल सीमित मात्रा में यहाँ भर दी गई है। यहीं पे ये सुविधाएं की गई हैं। आपको सामने दिखा दें कि वो देखिए लाइट की व्यवस्था की गई है, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए लाइट की व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ देखिए बैठने की भी सूझबूझ से बेहतर व्यवस्थाएं की गई। ये लाइट आपको दिख रहा होगा। नदी के दोनों तीनों तरफ से महिलाएं एकत्रित होंगी ताकि लोग हर तरफ से दौड़ना ज़्यादा ना पड़े। ये देखिए यहाँ पे भी चूना वगैरह जो गिराया गया है, महिलाएं उधर से भी, सिंहपुर जो ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत जहांगीरगंज के अंतर्गत है, महिलाएं वहाँ भी आके एकत्रित होती हैं। इसी पोखरे का भी एक वो भी एक भाग है जो वहाँ पे महिलाएं एकत्रित होंगी। ये है नगर पंचायत के द्वारा हमने आपको दिखाया चैनल के माध्यम से, ये थी सारी सुविधाएँ नगर पंचायत के द्वारा। टैंकर भी खड़ा कर दिया गया, लाइट की व्यवस्था है, मैटिंग की व्यवस्था की गई है, चूना वगैरह के साफ सफाई की व्यवस्थाएँ तो की ही गई हैं। साथ साथ टेंट भी लगा करके शीत से भी बचाया जा सकता है, टेंट के माध्यम धूप से भी बचाया जा सकता है। और जो मैट का है बैठ करके भी व्यवस्थाएं, और किसी की तबीयत खराब हो जाती है कोई समस्या होने पे भी ये उनके साथ कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रूप देगा। मन रहेगा चैनल के साथ अभी हम छठ पूजा से संबंधित फिर भीड़ कैसे होती है, क्या यहाँ सुविधाएं क्या क्या की गई हैं, हम आपको निरंतर अवगत कराते रहेंगे। तब तक बने रहेंगे चैनल के साथ। जनपद अम्बेडकर नगर से अनिमेष श्रीवास्तव पीयूष। नगर पंचायत के द्वारा जो कार्यक्रम व्रतियों के लिए किया गया है, आइए हम वहाँ पे आपको बाई चैनल हम दिखाएंगे क्या इनकी व्यवस्थाएं हैं। आइए हम सीधे कैमरा मैन के माध्यम आपको वहाँ तक ले चलेंगे, जो है व्यवस्थाएं आपको दिखा दें। ये पोखरा है सिंहपुर का, काफी पुराना है और यहाँ पे आए दिन व्रतियाँ जो महिलाएं हैं अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए व्रत यहाँ निरंतर रहती हैं। और ये देखा जाए, हमने पहले ही बता दिया बिहार की ये प्रथा थी, इसमें उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से व्रत चल रहा है। काफी कठिन व्रत है कि दिन निकलने के पहले, सूर्य निकलने के पहले औरतें लगभग घुटने बराबर ऊपर पानी में नदी में खड़ी होकर के अपने पुत्र के दीर्घायु की कामना के लिए काफी कठिन तपस्या करती हैं और छठ मैया से ये कामना करती हैं उनके पुत्र की दीर्घायु और उनकी सुख शांति बनी रहे। देखिए ये है चीजें जो बनाई गई है, यहाँ पे अलग अलग महिलाएं अपनी अलग तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ का जो आयोजन यहाँ करेंगी। यहाँ पे कुछ गन्ना का भी काफी विशेष पर्व माना जाता है, गन्ना वगैरह यहाँ लेकर के तालाब में लोग गाड़ देते हैं और उसी प्रकार से जब सूर्य निकलने का प्रयास करते हैं, जब सूर्य निकल जाता है तो उसी को देकर के लोग अर्घ देते हैं और अपने बच्चों से भी अर्घ दिला करके पूजा पाठ करते हैं। देखिए वहाँ से कैमरा में उधर जाइए, ये चीजें नीचे आपको स्पष्ट दिखाई दी किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रत्येक महिलाएं एक एक जगह खड़ी होकर के काफी लंबी काफिले के साथ ये कार्यक्रम यहाँ चलेगा। पानी भी काफी स्वच्छ दिख रहा है, पानी जो सूचना है कि चला करके नगर पंचायत के द्वारा ये सुविधा यहाँ मुहैया कराई गई है। आइए यहाँ कुछ हम आपको बैरिकेटिंग तक ले चलते हैं, जो सुविधाएं नगर पंचायत के द्वारा यहाँ की गई है। राजस्व टीम भी डीएम अम्बेडकर अविनाश सिंह के निर्देश पे, एसडीएम आलापुर भी इसमें सक्रिय रहे। यहाँ पे राजस्व टीम भी, यहाँ लेखपाल वगैरह भी मौके पे बौलिया चौक पे जो घाट है यहाँ निरंतर सक्रिय दिख रहे हैं। आइए ले चलते नगर पंचायत, जो बैरिकेटिंग काफी प्रथा थी शुरू से, इसमें उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से यह प्रथा लागू हो गई है। इस दिन महिलाएं काफी देखा जाए बहुत कठिन यह व्रत माना जाता है। इस दिन निर्जला होकर के औरतें काफी कठिन परिश्रम करके पुत्र के दीर्घायु के लिए व्रत रहती हैं। हम बात करते हैं जब अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत नगर पंचायत जहांगीरगंज के पास बौलिया चौक पे हम हैं, जहां पे नगर पंचायत के द्वारा काफी पहली बार नगर पंचायत नवसूचित हुआ भी है, पहली बार का बेहतर कार्यक्रम यहाँ हुआ है। यहाँ पे आने श्रद्धालुओं के लिए बैठने के लिए जगह है, अंडरग्राउंड में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई है। अभी हम चैनल के माध्यम से आपको ले चलते हैं उस जगह पे जहाँ जाएंगे बैरिकेटिंग की गई है, कैसे कैसे क्या है प्रक्रिया। बैरिकेटिंग में देखिए पहली बार ये कैमरामैन आ गया, ये सुविधाएं ये हैं कि यहाँ पिलर के माध्यम से बैरिकेटिंग है, जिससे बच्चे अनियंत्रित होकर के कहीं कोई दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, भीड़ अनियंत्रित होकर एक दूसरे के ऊपर ना गिरे क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। व्रतियों के साथ साथ तमाम यहाँ श्रद्धालु यानी देखने वालों की भी काफ़ी लंबी भीड़ लग जाती है, इसलिए अब नगर पंचायत ये बैरिकेटिंग है। आपको सामने उधर भी दिख रहा होगा ये किस प्रकार से किनारे से लेकर पूरी बैरिकेटिंग जगह जगह की गई है, आपको दिखा दे बैरिकेटिंग वहाँ पर पूरी की गई है। उधर देखिए, इधर
पूरा बैरिकेड, एक गेट लगा दिया गया कि एक ही रास्ते से प्रवेश करना है, एक ही रास्ते से इनको निकलना भी है। बगल में एक टेंट की बात करते हैं, आगे जो टेंट लगा है मंच के पास, वो हम आपको वहाँ तक दिखा दें। सीधे वहाँ पे अभी चेयर, यहाँ पे सुविधाएं लगाई गई हैं, जो श्रद्धालुओं के साथ साथ कोई वृद्धावस्था में हो या कोई अस्वस्थ हो जाए, किसी की तबीयत नहीं सही है, कोई भी समस्या हो जाने के बाद भी यहाँ पे भी सुविधा नगर पंचायत द्वारा मुहैया कराई गई है। आपको बता दें कि पहली बार ये व्यवस्था हो रही है और जनपद अम्बेडकर नगर जिले के नगर पंचायत एक चर्चित नगर पंचायत है, जो पहली बार सृजित हुआ है, पहली बार इसको दर्जा प्राप्त हुआ है, पहली बार यहाँ का चेयरमैन यहाँ पे सुनीता देवी चुनी गई हैं। उनके द्वारा, उनके प्रतिनिधि सुनील कुमार जी के द्वारा काफ़ी सक्रियतापूर्वक ये विशेष चीज़ें पहली बार की गई हैं। सामने दिखा देंगे मैटिंग की व्यवस्था है, ये एक गाइडलाइन, एक डायरेक्शन है, इसी के द्वारा लोगों को प्रवेश करना है और इसी गेट के माध्यम से वहाँ तक पहुँचना है। छठ पूजा के अवसर पर नगर पंचायत जहांगीरगंज में खरीदारी करती व्रती महिलाएं, जो महापर्व के अवसर पर छठ मैया की पूजा के महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, काफ़ी सुंदर तरीके से सजा जहांगीरगंज, दुकानें देखिए किस प्रकार से सजी हुई हैं, एक तरीके से आकर्षक का केंद्र भी माना जा रहा है लोगों के द्वारा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।